मुंबई में हुए एक अवार्ड फंक्शन के दौरान एक से बढ़कर एक सितारों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद थीं दीपिका पादुकोण, ऋषि कपूर और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों के बाकी लोग। इस इवेंट पर दीपिका पादुकोण बला की खूबसूरत नजर आ रही थीं। और फिर जब उन्हें अवार्ड दिया गया तो सुनिए स्टेज पर क्या कहा दीपिका पादुकोण ने। थैंक यू सो मच, मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। आई नो वी वर ट्राइंग टू डू दिस फॉर मेनी मेनी इयर्स एंड आई एम श्योर आई एम ग्लैड दिस फाइनली हैपेंड। एंड दिस अवार्ड इज इवन मोर स्पेशल बिकॉज शाइना वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड इट फील्स लवली टू हैव वन समथिंग वेयर माय फादर हैज आल्सो वन एन अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स। I think that was back in 2002 when I was still in school. So it feels great to be here and receive this award. Thank you, Nana ji. Thank you, Prakash ji. Thank you, China. ऋषि कपूर ने अवार्ड लेते हुए कुछ इस अंदाज में अपनी खुशी का इजहार किया। पहले तो I'm sorry that I was a bit late. This was due to the traffic that I encountered because of the Mount Meru festival. I apologize sincerely. Having said so about traffic, I might add that I used to live in Chembur and I used to study here in Cuffbright at the Campion School. And we used to travel every day from Chembur to Cuffbright to the school. So the only thing for me was to actually sleep in the car. And the only time I woke up was when I was by the bay and I used to also see that cloth banner which said something very important and very good. Even as a child, I appreciate that. Thank you, Nana Prasamaji, for those thoughts for all those years. वेल, अभी तो सितंबर का ही महीना है और एक से बढ़कर एक अवार्ड्स की शुरुआत हो चली है। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे ये साल बीतेगा किस सितारे की झोली में कौन सा अवार्ड गिरेगा। हम आपको सारी अपडेट्स यूं ही देते रहेंगे।